आपका क्या नाम है सर? प्रेमचंद। रहने वाले? सीतापुर जिला। पेशेंट आपकी माता जी? मम्मी। राधिका नाम है जी? जी। आप मेरे पास आए थे 12/4/2023 को ना? जी जी। और आज 7 तारीख है, 7/5। आपके पेशेंट को मेरे पास आने से पहले क्या क्या दिक्कतें थी और कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट आपने कराया था? चारपाई से उठाने में मतलब 1 से 2 लोग मतलब लगते थे उनको। अच्छा, बिल्कुल बिस्तर पे थी? जी, बिस्तर पे रहती थी। ठीक है। खाना बनता था मतलब उनको देख के, मतलब खाना भी नहीं हम लोग खा पाते थे, इतना मतलब दिक्कतें हो गया था। और दवाइयाँ जो है लखनऊ से चल रहा था, ब्रेस्ट में था, छोटा सा पहले गांठ था, उसको जाँच करवाते, बायोप्सी करा, उन्होंने बोला कि ट्यूमर, उन्होंने मतलब बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए हम लोग राजी हो गए, बोले छोड़ा करेंगे फिर से बढ़ सकता है, इसके लिए पूरा उन्होंने निकाल दिया, पूरा ब्रेस्ट ही पूरे काट के निकाल दिया, पूरा निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने मतलब उस टाइम लॉकडाउन लग गया, उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद में गया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला कीमो लगाना पड़ेगा, तो फिर कीमो उन्होंने बोला 2-3 कीमो लगवा दो आराम हो जाएगा, कीमो लगवा दिया गया, 3 से 4 कीमो लग गया, फिर से मतलब दिक्कत बढ़ गया, उनको नहीं आराम मिला, उनके लेफ्ट ब्रेस्ट में भी आ गया। जी जी जी। और उसके बाद इन्होंने बता दिया कि बोन्स में भी चला गया, बोन में कराया तो हड्डी में भी 3-4 जगह आ गया। हाँ, हड्डियों में भी बता दिया, पूरे शरीर में हो गया सर, पूरे शरीर फैल गया। 4 कीमो के बदले 9 कीमो लग गया, 9 कीमो लग गया उनको, फिर भी आराम नहीं मिला। पेशेंट की कंडीशन आ गई खाट पर? जी, वो खाट पे आ गई जी, अपने से उठ के बैठ नहीं पाते थे। आप जब कीमो लगाने गए थे तब पेशेंट आपका चल के गया होगा? जी, चल के गया। पर अभी कंडीशन वागी बिस्तर पर? अभी तो गाड़ी से लेके जाना पड़ता था उनको, गाड़ी से। आपका पेशेंट ऐसा हो गया कि अब आपको भी लगने लगा कि अब तो पेशेंट का बचना मुश्किल है, मेहमान को भी मतलब सब लोग बोल दिया कि मतलब बचना मुश्किल है, तो सब लोग मतलब रिलेशन में आके सब देख ले, मिलने भी आने लगे थे परिवार वाले कि चलो पेशेंट तो अब जाने वाला है। कैसे भी करके पता पाया तो उन्होंने हमको बताया, तो साथ में लेके आए थे दवा लेने। अच्छा अच्छा, आपको किसी पेशेंट ने बताया? तो फिर हमने वीडियो देखा उसको, फिर हम लोग यहाँ पे आए। आपको किसी पेशेंट ने बताया वो ठीक हुए थे? जी ठीक हुए। आपका जैसे मैं यूट्यूब में निकाल के फिर देखा, फिर मैं बोला चलो चलते हैं। तो आपको लगा था वीडियो देख के कि 20 दिन में भी ठीक होते हैं लोग? ठीक होते हैं, मतलब ये मतलब एक बीमारी को नाम सुन के मतलब ऐसा तो लगता नहीं था मतलब ठीक होगा, लेकिन इतना करवा चुके हैं, फिर इसको भी देख लेते हैं करवा के। हाँ चलो देखते हैं, आप तो उधर कोई रास्ता भी नहीं है, रास्ता भी कोई नहीं है। तो मेरे पास आने के बाद आपके पेशेंट को क्या क्या आराम मिला सर? आराम मिला ऐसे, पहले तो खाती थी आधी रोटी 24 घंटे में एक बार खाना खाती थी, वो भी कम से कम 6 से 7 बार 8 बार भी उल्टियाँ हो जाती थी। अच्छा, आधी रोटी जो खाती थी वो भी 7-8 बार उल्टी के साथ वो बाहर आ जाता, 7 बार आ जाती थी। पानी भी मतलब पीती थी वो भी उल्टी हो जा रहा था। अभी प्रेजेंट टाइम में जब से दवा ले गए हैं तब से न कोई बुखार न कोई दर्द, और अपने आप से मतलब उठ के चल भी फिरती हैं, मतलब बाथरूम भी कर लेती हैं, खाना 2 रोटी सुबह में 2 रोटी शाम में खा लेते हैं अपने से, मतलब अपना क्रियाक्रम जो भी है वो। हाँ, अपना लैट्रिन बाथरूम खाना पीना नहाना धोना पड़ के अब उठाना नहीं पड़ता, अपने आप से कर लेते हैं। तो अगर मान लो कैंसर कोई बड़ी बीमारी है भी जिसको लेकर लोग डर रहे हैं, पेशेंट इतनी जल्दी रिकवरी ले सकता है क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं कैंसर के नाम से एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मेन जो गौमूत्र दिया आपको ताजा, जी जी जी, मेन वही बताया था। क्या मैंने आपको गौमूत्र दिया? जी नहीं, मैंने आपको बोला कि गौमूत्र आपको सीधा गाय से लेना है। कई लोग कहते हैं हम गाय कहाँ से लाएं, मेरे को नहीं पता कहाँ से लाओगे आप। गौशाला जाओ, वहां पर एक गाय का पूरा खर्चा उठाओ, क्योंकि गौमूत्र मैंने बोला था आपको भी पीना। जी जी। क्योंकि आज जो कैंसर को लेकर बात है, कैंसर ना हो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। कितने दिन में फर्क मिला था वैसे आपको? फर्क तो उनको मतलब 5-6 दिन में मतलब उल्टियां की बीमारी खत्म हो गया, दिक्कत अपने आप से मतलब बाथरूम जाने लगी आने लगी, उन्होंने बोला हमको पकड़ने की सहारा की जरूरत नहीं है। ये तो 20 दिन के बाद ये मेरे पास दवाई खत्म हुई तो मेरे पास आए। जी ठीक है, जबकि ये वो 5-7 दिन 10 दिन में इनकी रिकवरी आ चुकी थी। जिस आयुर्वेद को बोला गया स्लो है, अब आपको लगता है स्लो है? ये जानबूझकर कई वैद्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने इसको स्लो किया, पर जानबूझकर उनको आप लोगों को मजबूर होना पड़ा एलोपैथ में जाने के लिए। मैं एलोपैथ की बुराई नहीं कर रहा हूं, कोई भी बंदा ये ना सोचे, ये आपके सामने जो है सच्चाई है। अगर ऑक्सीजन चढ़ाना तो आपको जाना पड़ेगा, ब्लड चढ़ाना है तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा, हड्डियां टूट गई तो उनके पास जाना पड़ेगा। लेकिन इस समय जो कंडीशन है आयुर्वेद को लेकर, आयुर्वेद स्लो नहीं है। जो आसपास के लोगों को अब आपको ये बताना है कि आज कैंसर को लेकर कोई डरे नहीं। पैसा आपने कितना लगा दिया था सर? पैसा तो सर हम लोग 6 से 7 लाख कम से कम लग गया। और आप भी मेरे पास आए थे सर 25/4/2023 को? जी। आपके पेशेंट का भी लंग्स का इशू था? जी। मेरे पास आने से पहले आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया था अपने पेशेंट का, क्या क्या दिक्कतें थी उसको? खाना बहुत कम कर दिया था, वेट उनका 12 किलो खत्म हो चुका था 2 महीने में। खांसी थी उनको, और जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी उनकी राइट आई की विजन चली गई थी। अच्छा अच्छा। ट्यूमर की वजह से चेन्नई में सर अपोलो में वहाँ पे इनका पेट स्कैन हुआ, सिटी पेट स्कैन। ठीक है जी। तो हम लोग चेन्नई गए थे आंखों के इलाज के लिए, अच्छा, शंकर नेत्रालय। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आंखों में ट्यूमर है, पहले वो चेक कराइए। तो जब वो ट्यूमर चेक कराने गए अपोलो चेन्नई में ही, हाँ जी, तो वहाँ पेट स्कैन में उन्होंने कहा लंग कैंसर है, पूरी बॉडी में फैल चुका, एडवांस स्टेज है। इवन वहाँ पे एक ऑन्कोलॉजिस्ट ने तो बोल दिया था कि मतलब 6 महीने ज्यादा से ज्यादा। हाँ, आपके पेशेंट को भी जवाब ही दे रखा था, मना कर रखा था। वहां पर पेशेंट को ट्यूमर बताया, वो चेक किया, उसके बाद बताया तो पूरे शरीर में फैल गया।
आंख की विजन जो थी उसकी, आंख की एक राइट विजन, राइट आई की, हाँ वो जा चुकी थी रेटिना डिटैचमेंट के कारण। कंडीशन ऐसी थी कि भी लगा था कि भी कोई उपचार इसका नहीं है और आयुर्वेद में तो मतलब ही नहीं है। और इलाज के नाम से आपने क्या क्या लिया सर? सर जैसे मेरे को पता चला कि इन्होंने बोला कैंसर है, तो सर आपकी वीडियो तो मैं बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया, मैंने कहा ठीक है आप लोगों के बस का ना छोड़ दो। अच्छा अच्छा, तो सीधा फ्लाइट पकड़ के आप ही के पास आए। अच्छा, सबने घर में इवन रिलेटिव्स ने भी कि क्या फालतू की चीजें हैं ये वो, मैंने कहा ठीक है मेरी माँ है जैसा। हाँ आयुर्वेद के नाम से सर ऐसा ही होता है, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों मौत की तरफ जा रहे हो। बोले बायोप्सी करा लो, मैंने कहा नहीं करानी बायोप्सी, पता तो चले कैंसर कौन सा कैंसर है क्या हो सकता है। मैंने कहा रेडिएशन हो नहीं सकता, डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया लंग्स में, हार्ट पेशेंट है तो कीमो उनको उस डोज पे दी नहीं जा सकती, और उम्र भी तो सर 64 एज थी। हाँ, और अब वो मतलब खुद मांग के खाती हैं, पहले ये था कि कुछ भी दो नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। आंखों की अब हालत ये है कि पहले आंख लाल पड़ी रहती थी, देख के अब आप कह ही नहीं सकते कि उस आंख में कुछ हुआ। आंखों के जो लालपन था वो खत्म हो चुका है, और पहले उठती नहीं थी, मतलब ये था कि उनको मन ही नहीं करता था उठने का, एक ही जगह वो लेटी रहती। इवन व्हील चेयर पे गई, चेन्नई भी गई थी, व्हील चेयर पे गई, व्हील चेयर पे आई, और अब खुद उठ के घर में घूमने लगती, देखे क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। एक आपने बताया इसका रंग काला पड़ा हुआ था जी। हाँ मतलब डार्क हो गया था कम्प्लेक्शन। हाँ, अभी अब साफ हो रहा है रंग, रंग साफ होने लगा। हाँ, आपने बताया खाना खाने लगी है जी, आंखें लाल थी वो ठीक हो रही है जी, अब चलने लगी है जी, उठ पाती है खुद ही जी, खुद उठ पाती। अब तो नहीं लग रहा ना, आपके परिवार वाले भी तो नहीं बोलेंगे अब चक्कर में पड़े। आपने बोला था कि साइकोलॉजिकल भी वो नहीं पड़ना चाहिए, मैंने तो सर सारे रिश्तेदारों को मना कर दिया था, मैंने कहा कोई फोन करके नाटक करके रोएगा नहीं। हाँ तो ये मैंने पहले ही मैंने सबके फोन ब्लॉक कर दिए, मैंने कहा मम्मी के पास किसी का फोन पहुंच गया मैं आके तोड़ दूंगा वहीं। क्योंकि देखो क्या होता है कि इस समय हम किसी को हौसला नहीं दे सकते तो उसका हौसला तोड़े भी नहीं। अभी हमारे पड़ोस में किसी को लंग कैंसर था। हाँ, तो उनकी मदर की डेथ हो गई, तो वो कह रही अरे नहीं तुम्हारी मदर भी नहीं बच पाएंगी, मैंने कहा वहीं रहो, वहीं रहो, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनकी इलाज कहाँ चली सर? उनका उन्हें बायोप्सी करा दी तो एक महीने के अंदर ही वो हरिद्वार भी गए थे, वहां कोई नाड़ी कोई देखता है रेलवे स्टेशन के आसपास। अच्छा अच्छा, तो उसने भी कह दिया था आपने बायोप्सी करवा दी आप ले जाओ वापस। कि राजीव दीक्षित ने बताया था कि अगर कीमो रेडिएशन या ऑपरेशन ही कोई लग जाता है तो आयुर्वेद कोई हाथ नहीं लगाता, सभी मेरे पास वही लोग आ रहे हैं डॉक्टर मना करने का, उसकी भी रिकवरी हो रही है।